चंद्रमुखी की कहानियाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके खानदानी बहू के पिछले पार्ट्स जरूर देख लीजिए। सिस्टर से रेशम की प्रेगनेंसी की बात सुनकर समीर खुशी से झूम उठता है और उसी वक्त वो हॉस्पिटल से छुप कर निकल जाता है रेशम से मिलने। भैया, सज्जनपुर चलेंगे? 500 लगेगा सर। अरे भाई, जो लेना है ले लेना, अब जल्दी चलो। समीर टैक्सी पकड़कर रेशम के घर निकल गया और उधर रेशम के घर पे, अब तबीयत कैसी है बेटी? बहुत थकान महसूस हो रहा है बाबूजी, मुझे समीर जी की याद आ रही है, क्या उन्हें इस बारे में बताना नहीं चाहिए हमें? हाँ हाँ बेटी, उनका पहले हक बनता है जानना, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उठने के बाद उनको खुशखबरी दे देना। ठीक है बाबूजी। रेशम आराम करने अंदर के कमरे में चली जाती है और तभी, प्रणाम बाबूजी। समीर बेटा, आप आइए, अंदर आइए। सर पे ये पट्टी कैसा? वो सब छोड़िए बाबूजी, रेशम कहाँ है? इतने दिनों के बाद रेशम की याद आई, अभी बुलाता हूँ। रेशम, बेटी देखो कौन आए हैं। रेशम समीर को देख के बहुत खुश हो जाती है। अरे आपको क्या हुआ है, ये पट्टी कैसा? पट्टी का छोड़ो, तुम इतनी बड़ी खुशी की बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे हॉस्पिटल से पता चला। मुझे भी तो आज सुबह सुबह पता चला है, मैं आज आपको बताने ही वाली थी, पर आपको भी इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। तुम भी तो मुझसे मिले बिना घर छोड़ के आ गई। मैं क्या करती, उस वक्त सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे बाबूजी वहाँ पे और एक भी पल रुकने नहीं देते। बाबूजी? हाँ समीर जी। रेशम और उसके बाबूजी समीर को शादी के दिन से लेकर महल छोड़ने तक सारा किस्सा एक एक करके बताने लगे और समीर को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसके अनजाने में रेशम पे इतना अत्याचार हुआ था, ये सुनकर शर्मिंदा भी था। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच्चाई से अनजान था और जाने अनजाने में रेशम को बहुत दुख पहुँचाया, अब मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। फिर समीर रेशम को लेकर राजेंद्र महल पहुंचा। बेटा, ये क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेशम, अंदर आओ। चलो रेशम, हमारा सामान पैक करते हैं। बहू, कहाँ जा रहे हो बेटा? आपका ये महल छोड़ के जा रहा हूँ माँ, अब यहाँ पे मैं और रेशम नहीं रुक सकते। झूठे धोखेबाज लोगों के साथ इतने बड़े महल में रहने से बेहतर होगा कि किसी किराए के मकान में मैं अपनी पत्नी के साथ सुकून से रहूं। समीर और रेशम अपना सामान पैक करके उसी वक्त राजेंद्र महल से निकल जाते हैं। ये क्या हो गया जलेबी, तू तो बोल रही थी सब संभाल लेगी, पर मेरा घर तो पूरा बिखर गया। तेरे कहने पर मैंने बहू पे इतना अत्याचार किया, हर बात पे ताना मारा, और आज मेरा ही बेटा मुझे छोड़ के चला गया। जमींदार जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा घर छोड़ के चले जाने के दुख से कंचन देवी टूट गए, अपने किए पर उन्हें पछतावा होने लगा, पर अब क्या फायदा, बेटे को तो सच्चाई का पता चल चुका था। और उधर रेशम और समीर मिलके अपने छोटे से संसार को खूब प्यार से सजाने लगे। रेशम, मैं फैक्ट्री निकल रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा, फैक्ट्री घोटाले का कुछ पता चला आपको? मामा जी ही इन सब के पीछे हैं, दूसरे फैक्ट्री के लेजर्स देखने के बाद ही पता चलेगा और कितना घोटाला किए हैं वो इतने सालों से। क्या मामा जी? खैर छोड़ो, तुम इन सब बातों का स्ट्रेस मत लो। अच्छा सुनो, हमारे महल में बहुत साल पहले हरिया और कुमुद काम करते थे, अब बेचारे बहुत बुढ़े हो गए हैं, उनके पास ना कोई काम धंधा है ना ही खाने को कुछ। अच्छा, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ वो तो है, ट्रैफिक सिग्नल में मैं उन्हें भीख मांगते हुए देखा,
इसीलिए उन्हें घर बुलाया है। अच्छा सुनो, तुम उन्हें हमारे घर का सारा काम समझा देना, तुम्हें हेल्प हो जाएगा और उनको भी काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं समझ गई। अभी आप जाइए, आपको लेट हो जाएगा। उसी दिन से कुमुद और हरिया समीर के घर का काम करने लगते हैं। फिर एक दिन, कुमुद मासी, जब मैं बहू बन के आई थी महल में, तब आप तो वहाँ पे नहीं थे, फिर आप काम कब छोड़े? छोटी मालकिन, छोटे मालिक जब छोटे थे तब हम काम छोड़ दिए थे। पर क्यों? सुना है मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे, उनके रहते किसी को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, फिर आप लोग महल छोड़ के क्यों चले गए? बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे हमें, देवता समान इंसान के साथ धोखा किया है हमने। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो जी, जाओ बाहर जाओ, बगीचे का काम करो। नहीं रुको, मुझे सब सच बोलो। हरिया और कुमुद से सच सुनने के बाद रेशम के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और वो क्या करेगी उसे कुछ समझ नहीं आया। पर वो ये बात समीर को नहीं बताई और सही मौके का इंतजार करने लगी। अच्छा ये बात है, जब मामा मामी का कच्चा चिट्ठा निकलेगा तब मैं हरिया और कुमुद को लेकर जाऊंगी उस महल में। फिर देखते ही देखते 8 महीने बीत गए और रेशम तो जुड़वा बेटियों को जन्म दी। मालकिन बधाई हो। बधाई किस बात की पद्मा? किस बात की, आप तो दादी बन गए हैं, दो दो जुड़वा बेटी जन्म लिए हैं छोटी मालकिन की कोख से। आज उनके घर पे बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। क्या सच बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है वो कहाँ पे रहते हैं? क्या तुम मुझे उनके पास ले जाओगी? पद्मा कंचन देवी को समीर के घर ले गई और तब तक पार्टी लगभग खत्म हो चुका था। क्या अब समीर और रेशम माँ जी को माफ कर देंगे? फिर रेशम मामा मामी से कैसे बदला लेगी और आखिर में मामा मामी का क्या होने वाला है? ये सब जानने के लिए हमारा लास्ट एपिसोड जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।